भारत माता की। सारे बहन भाइयों ने राम राम। मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को सबकी सब सीटें झोली में भर देने के लिए आप सबका आदरपूर्वक नमन करते हुए धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता शो। आज हरियाणा के रोहतक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित किया। उन्होंने अपने भाषण में हरियाणा की प्रमुख योजनाओं का जिक्र किया और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर की भी जमकर तारीफ की। आज उन्होंने अपने संबोधन में जनता को क्या कहा, क्या नई घोषणाएं जारी की हैं, सुनते हैं उनकी जुबानी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मोदी जी की विजय संकल्प रैली को सुनने के लिए किस तरह से लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। गाड़ियों का जमावड़ा लग चुका है। पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी पूरे जोश के साथ इस रैली में भाग लिया और रोहतक पुलिस के द्वारा जो सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया, काबिले तारीफ है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का, जिन्होंने 370 के लिए पहला बलिदान दिया, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। देखो देखो कौन आया। माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री सुभाष बराला जी से के वो मंच पर आकर के माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें। पहली बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में आ रहे हैं। एक बार जोरदार ताड़ियों के साथ एक बार खड़े होकर के हम अभिवादन करते हैं, हम आपका अभिनंदन करते हैं। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मोदी जी की विजय संकल्प रैली को सुनने के लिए किस तरह से लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। गाड़ियों का जमावड़ा लग चुका है। पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी पूरे जोश के साथ इस रैली में भाग लिया और रोहतक पुलिस के द्वारा जो सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया, काबिले तारीफ है। आज हम लोग यहाँ विजय संकल्प रैली इस रूप में पूरे हरियाणा के कोने कोने से पार्टी के कार्यकर्ता तथा हरियाणा के मेरे 2.5 करोड़ जनता के जो जिसको हमने परिवार माना है उसके सभी प्रतिनिधिगण यहाँ एकत्र हुए हैं। इतनी बड़ी संख्या में गांव-गांव में शहर के हर कोने में लोगों ने पलके फावड़े बिछाकर यात्रा का स्वागत किया, अपना आशीर्वाद दिया। अब हम पहुंच चुके हैं रैली स्थल पर, जहां पर आज नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा की जनता को संबोधित किया। अब आपको हम दिखाएंगे किस तरह से हरियाणा भाजपा नेताओं के द्वारा उनके स्वागत में कार्य किए गए, किस तरह से रैली स्थल को सजाया गया था, क्या क्या सुविधाएं की गई थी। जो आप देख पा रहे हैं, ये रैली स्थल जो पंडाल लगाया गया है, इसमें लगभग 30 से 40 हजार लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी को लाइव उनके संबोधन को सुना। पहली स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी ये खोली भाइयों बहनों, और उसमें 800 से ज्यादा कोर्सेज स्किलिंग के लिए नौजवानों को हमने उसका लाभ दिलवाया। हरियाणा में हमने गैस कनेक्शन उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 9 लाख परिवारों को हमने गैस कनेक्शन पहुंचाया। भाई बहनों, ये हम नल लगाकर नल से जल व्यवस्था के अंतर्गत हर रसोई में पानी पहुंचा देंगे, ताकि हमारी बहनों माताओं को दूर से जो पानी लाना पड़ता है उससे उनको निजात मिले। आज चूंकि प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में आए हैं, हम चाहेंगे प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हमको मिले, ताकि अगले चुनाव में हम फिर से भारी बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार बनाकर हरियाणा की जनता की सेवा करें। बहुत ही सुंदर और थोड़े शब्दों में हमारे बीच में पूरी यात्रा का वर्णन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, जिनको सुनने के लिए इतनी बड़ी संख्या में हम यहाँ पर पहुंचे, जिन्होंने 3 तलाक जैसे कानून को समाप्त किया, जिन्होंने धारा 370 समाप्त कर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को पूरा किया कि वो हम सबको संबोधित करने के लिए मंच पर आए। नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी। भारत माता की। सारे बहन भाइयों ने राम राम। मैं सबसे पहले तो
भारतीय जनता पार्टी को सबकी सब सीटें झोली में भर देने के लिए आप सबका आदरपूर्वक नमन करते हुए धन्यवाद करता हूं। मैं हरियाणा को जितनी बधाइयां दूं, जितना धन्यवाद करूं, उतना कम है। कभी चौधरी छोटूराम जी की प्रतिमा के लोकार्पण के लिए आया था और हरियाणा ऐसा है जितना मैंने मांगा उससे ज्यादा दिया है। विकास की नई नई परियोजनाओं का उपहार देना और दूसरा मनोहर लाल जी को मिल रहे जबरदस्त जन आशीर्वाद का साक्षी बनने का कि मनोहर लाल जी और उनकी सरकार ने ये जन आशीर्वाद उसी का जीता जागता सबूत है। और जैसा मेरे लिए मैं भांति भांति की बातें सुनता था, पुरुषार्थ का परिणाम है कि आज हर परिवार मनोहर बन गया है। लोग मुझे नमो नमो करते थे, लेकिन जब मुझे लोगों ने नमोहर कहा तो मुझे भी जरा आश्चर्य हुआ। आज की ये सभा उस जन विश्वास को एक और मोहर लगा रही। अभी हरियाणा में केंद्र सरकार की मदद से लगभग 25,000 करोड़ रुपए के बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। थोड़ी देर पहले लगभग 2,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सफल बनाने के साथ ही यहां की बीजेपी सरकार बेटियों की शिक्षा पर व्यापक बल दे रही है। घर भी दिए गए हैं और एक मेगा फूड पार्क का शिलान्यास भी किया गया है। इस बार अपने नए घर में बितने वाली हैं उन्हों अभी से मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं यहां आप सभी के प्रति, पूरे हरियाणा वासियों के प्रति आभार व्यक्त करने भी आया। साथियों, मैंने तब भी कहा था कि हरियाणा से मुझे मिली सीख और हरियाणा से मिले मुझे संस्कार। कुछ लोग तो चुनाव पराजय से इतने बेहाल है कि मन सुन्न हो गया है उनका। 130 करोड़ भारतवासी हैं, आप सभी हैं। कृषि से लेकर के राष्ट्र की रक्षा सुरक्षा से जुड़े बड़े निर्णय सरकार ले पाई। अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धारा 370 के हटाए जाने के बाद पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान पर भी तीखी प्रतिक्रिया जारी की और साथ ही भारतीयों को चंद्रयान 2 की सफलता पर खुशी जाहिर करते हुए उनका अभिनंदन किया। मुस्लिम बहनों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए और हमारे हेल्थ सेक्टर की बेहतरी के लिए अनेक कानून बनाए गए। इन 100 दिनों में एक और महत्वपूर्ण काम हुआ है। इस दौरान संसद के सत्र में जितने बिल पास हुए हैं, जितना काम हुआ है, उतना किसी भी सत्र में पिछले 60 साल में नहीं हुआ है। भारत अब हर चुनौती को चुनौती देता है। हम चुनौतियों से सीधा टकराना जानते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का मामला हो, उनके सपनों को, आकांक्षाओं को पूरा करने में हम जुट गए हैं। हमने देश की 8 करोड़ गरीब बहनों के घर उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन देने का संकल्प लिया था। देश के 7 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को लाभ मिल चुका है। तो हरियाणा के किसानों के खाते में 425 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं।
बल्कि बहुत ही जल्द छोटे और लघु व्यापारियों और कारोबारियों के लिए भी पेंशन योजना की सुविधा मिलने वाली है। किसान की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य पूरा होकर के रहने वाला है। साल 2024 तक देश के हर घर तक जल पहुंचाने के लिए देश जुट चुका है कि पानी को बचाने और पानी घर घर जल पहुंचाने के लिए आने वाले 5 वर्षों में 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। लेकिन ऐसा रोड मैप पहले किसी के पास नहीं था जिसमें 130 करोड़ देशवासियों के स्वास्थ्य की चिंता समाहित हो, सुविधाओं को किफायती बनाया और उन क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सुविधाएं लेकर गए जहां अब तक इससे वंचित थे। इससे एक दूसरे से फैलने वाली बीमारियों को रोकने में मदद मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ लाइफस्टाइल के कारण होने वाली बीमारियां भी ठीक हो रही है। इससे स्वास्थ्य सुविधाएं भी बढ़ेगी और हमारे युवाओं को मेडिकल की पढ़ाई के लिए अधिक अवसर भी मिलेंगे। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है भाई और बहनों। लोकसभा चुनाव में आपने भारत के भविष्य को ध्यान में रखते हुए जनादेश दिया था। आज स्वच्छ भारत की बात करें तो हरियाणा पूरे देश में अव्वल राज्यों में एक है और एमएसएमई सेक्टर में भी देश के टॉप राज्यों में हरियाणा का नाम है। हरियाणा में परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया गया, बंदर बांट की एक गलत परंपरा को खत्म किया गया। पूरा हरियाणा आज भाजपा के पक्ष में खड़ा है। रोहतक के, हरियाणा के जन जन का ये विश्वास ऐसे ही बना रहेगा। हरियाणा के लिए जीने मरने वाले लोग भी हरियाणा में है, ये इस सरकार ने दिखा दिया। 7 सितंबर की रात के वो 100 सेकंड, 7 सितंबर की अर्ली सुबह के वो 100 सेकंड मैंने एक और साक्षात्कार किया। एक घटना ने पूरे देश को 100 सेकंड के अंदर जगा दिया, एक ऐसा स्पिरिट। और मैं कहूंगा जैसे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात करते हैं, मैं कहूंगा अब हिंदुस्तान में इसरो स्पिरिट है, इसरो स्पिरिट। 100 सेकंड में आज से तो हिमाचल कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक हिंदुस्तान ने दिखा दिया है। संकल्पों के लिए जीने की इतनी बड़ी ताकत होती है। निमित्त इसरो के वैज्ञानिक थे, निमित्त चंद्रयान की यात्रा थी, लेकिन मिजाज मिजाज 125 करोड़ देशवासियों का था। यही भावनाएं देश के सारे संकल्पों को पूरा करने वाली, क्योंकि देश की जनता को विश्वास है देश हित के सिवाय हमारे कोई मानदंड नहीं है, हमारा कोई तराजू नहीं। अब भारी संख्या में यहां हम सभी को आशीर्वाद देने आए, इसके लिए आपका आभार। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जो आप ये नजारा देख रहे हैं ये है मोदी जी के संबोधन के बाद का। मोदी जी के संबोधन खत्म होते ही रैली से लोगों ने अपने घरों की तरफ जाना शुरू कर दिया था और ये वह चौक है जहां से रैली स्थल सिर्फ 50 मीटर दूर है और लोग अब अपने घरों की तरफ वापस जा रहे हैं।